अब हम पंचांग लेते हैं। पंचांग में पांच अंग होते हैं, पंचांग के तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। इनको मिला के एक बहुत सालों का अनुभव है उन लोगों का जिन्होंने इनको मिलाया, कुछ सालों का, या जब से मैं पैदा हुआ या जब से इसी फैमिली का हूं, ऐसी इसी टाइप का, तो कुछ सालों का मेरा भी अनुभव है कि अच्छे समय पर, अच्छे चौघड़िया के अच्छे मुहूर्त में, या अच्छे समय पर अच्छे मुहूर्त में काम करने से अच्छा होता है, और बुरे मुहूर्त में अगर आप अच्छा काम कर लो तो वो गलत। पंचांग में दो तरह के मुहूर्त होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य मुहूर्त ये है कि एक दिन अच्छा ही है, सिद्ध तिथि, वो तो मुहूर्त है। विशिष्ट मुहूर्त ये है कि आपको मुहूर्त जब बनानी पड़े, योग देखना पड़े कि ये योग जब लगाना पड़े, तिथि वार नक्षत्र के मिलन से जो योग बने, अच्छा योग बने, जितने अच्छे अच्छे प्रकार के योग बनते हैं वो योग बने, वो विशिष्ट तिथि होती है, या आप जब बनाते हो अपने आप में तो वो विशिष्ट तिथि होती है आपके लिए, विशिष्टता लेकर आती है, विशिष्ट मुहूर्त है वो आपका। पंचांग की जरूरत उससे पहले जब हुई थी, जो आपको पहला ज्योतिष का जो पहला प्रकार बताया था मैंने, उसमें सिद्धांत ज्योतिष या सिद्धांत स्कंद ले लो आप, उसमें जब पंचांग की जरूरत हुई थी काल गणना के लिए, समय के गणना के लिए कि किस किस हिसाब से समय कहाँ घूमता है, कैसे करता है, तो उसमें पंचांग को एक सिविलाइज तरीके में ले लिया गया और आगे बढ़ाया गया। आज तक उसको बदला नहीं किसी ने, वही चलता आ रहा है, वही एक नक्षत्र के चार चरण हैं, वही तिथियां हैं, उतनी तिथियां हैं, उन तिथियों को जो संज्ञा दी जा रही है वो उसी समय से चलता आ रहा है, इसको किसी ने अपडेट नहीं किया, इसको किसी ने बदला नहीं, ना मैंने तो इस पे गया ही नहीं कभी करने के लिए। पंचांग में आपको अभी दे रहा हूं, मैं तो केवल खुद के लिए विशिष्ट मुहूर्त उपयोग कर लेता था, मैं इसको केवल वो समझता था पंडित जी जो मंदिर में बैठे हुए हैं वो ये वाला काम करेंगे, जो या उनके पास भेज देता था कि उनसे पूछ लो, जो रुपए हों उन लोगों का भी एक बड़ा कॉम बैठा हुआ है आप लोगों के भरोसे, तो उनको दो, अभी भी दूंगा। मुहूर्त देखना अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, या कोई अगर ऐसी पूछ लेता है, आपके क्लाइंट हैं उनमें से कोई पूछता है, तो आप उनको बता दो मुहूर्त देख के, विशिष्ट मुहूर्त देख के बता दो इस टाइम में आप काम करो। और इसी को हम न्यूमरोलॉजी से भी करते हैं, ये तो हम पंचांग से कर रहे हैं, इसी को हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं, वो बड़ा इजी में हो जाता है। न्यूमरो वाले जितने भी होंगे, न्यूमरो वाले इसको अच्छे मुहूर्त के साथ, अपने पर्सनल टाइम को, पर्सनल डेट को अच्छे मुहूर्त के साथ जोड़िए, काम ऐसे बनता है पत्ते की तरह, बिल्कुल स्मूथ। एक तो मंथ है, इसको मास बोलते हैं, मास महीना। जो अब ज्योतिष में आपके उपयोग होने वाले शब्द, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये मास हैं। इसको आप यहीं ऐसे फोटो खींचिए और अपने मोबाइल में फोटो को रख लीजिएगा, तीन चार बार पांच बार पढ़ना है, सीधे याद हो जाएगा। आप किसी चीज को समझने की, जो चीजें हैं ना समझने की चीजें होती हैं उनको समझिए, जो याद करने की चीजें होती हैं उनको सीधा याद करिए। मास में एक आता है चंद्रमास। चंद्रमास में दो तरह के हैं, एक है अमांत और एक है पूर्णिमांत। इसको चंद्रमास कहते हैं, ये जो अभी तक हमने देखा ये है चंद्रमास, वो जो 12 के 12 महीने हैं चंद्रमास हैं। और चंद्रमास आप एक बार और ले लो, क्योंकि उसी से मैं ऋतु आपको समझा दूंगा, 6 ऋतुएं हैं उन्हीं चंद्रमास में है। देखिए ऋतुओं के नाम याद हैं आपको, पता है 6 ऋतु हैं, और कभी आपको याद ना रहे तो ऐसे करके याद करिए इसको। देखिए शिव, ग्रीव, सहे, श्लोक के तरीके से याद करिए, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत,
और ये दोनों महीने यहां से शिशिर शुरू होता है। इसको आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा, शिव ग्रीव सहे, ये छह ऋतुओं के नाम है। पहले पहले अक्षर को याद कर लीजिए, जो भी आपको याद ना हो ना उसके पहले पहले अक्षर को याद कर लीजिए, बहुत सारा कुछ याद हो जाएगा। ऐसे में आप अभी जो अभी आने वाले उसमें जाएंगे नक्षत्र में, हम लोग जाएंगे नक्षत्र में भी पहले पहले अक्षर को याद करा के पूरा का पूरा आ जाएगा आपको। ये दो ऋतु हो गए इधर इधर, उसके बाद एक ऋतु शिव वसंत, फिर इन दो महीनों में एक ऋतु ग्रीष्म, फिर इन दो महीनों में एक ऋतु वर्षा, और इसमें एक ऋतु शरद, और इन दो महीनों में एक ऋतु हेमंत। ये ऋतु ऐसे करके छह ऋतुएं हैं हमारे यहां। ये चंद्र मास के नाम है और ऋतुओं के नाम है। इसी तरह से सौर मास होते हैं जिनको संक्रांति बोलते हैं, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाता है तो उसको संक्रांति बोलते हैं। और अलग अलग संक्रांति के अलग अलग नाम हैं, सौर मास के अलग अलग नाम हैं सभी के, वो भी बारह मास ऐसे ही होते हैं, उसको आप ऐसे याद कर लो। मधु, माधव, शुक्र, सूची, सूची होता है, नभ, नभस्य, इश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य। ये नाम है सौर मास के। संक्रांति इतने प्रकार की होती है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति ये है जो 13-14 जनवरी को होती है। ये मेष संक्रांति ये है। इसी तरह से आप इसको ले लीजिए सभी में, ये आपको पंचांग में भी मिल जाएगा। पंचांग में जब भी आप जाएंगे तो कौन से सूर्य कौन सी राशि में है उससे अगली राशि को संक्रांति बोलते हैं, उसी उससे अगली राशि वाला संक्रांति बोलते हैं। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, मधु माधव शुक्र सुचि, नव नवस्य इस ऊर्ज, सह सहस्य तप तपस। एक बार याद कर लीजिएगा, आपको डेली अगर जरूरत पड़ती है तो ठीक है, नहीं पड़ती है तो भूल जाएंगे। फिर कभी ज्ञान तो रहेगा, कोई बोलेगा तो ये तो याद रहेगा कि सौर मास के ये सब नाम। सावन मास है जो 30 दिन का एक मास हो वो सावन मास कहलाता है। नक्षत्र मास होता है जो चंद्र एक पहले नक्षत्र से आखिरी नक्षत्र तक गोचर करने में जितना समय लेता है उसको नक्षत्र मास कहते हैं। मतलब अश्विनी से रेवती तक जाने में जितना समय लगता है उसको नक्षत्र मास कहते हैं। अधिक मास होता है जब एक मास में एक भी संक्रांति ना हो तो उसे अधिक मास कहते हैं। मल मास, पुरुषोत्तम मास, ये सब एक ही मास को कहते हैं, अधिक मास को। अधिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है